हेलो गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों ने एंटर देखा था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स आप लोग जानते होंगे, जो फोर्स वैरी नहीं करता है, बदलता नहीं है, वेरिएबल नहीं होता है, उसे कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। तो उस वैसे फोर्स को के द्वारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। हम लोग स्कूल डेज में पढ़े होंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट या फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स एक मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आप जानने के लिए, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब एफ डॉट एस है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये एंगल थीटा जो है वो एंगल होता है फोर्स फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। जैसे अब इसे कुछ सम करते हैं, तो इसके मतलब फिर देर आर थ्री मेथड ऑफ, इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि देर आर थ्री मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ वर्क। थ्री मेथड जानेंगे, उसमें पहला मेथड है जैसे ब्लॉक है यहाँ पे, फाइव के जी मास का, वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ पे उसको डिस्प्लेस किया जाता है फोर्स लगा के, यहाँ पे आता है 5 मीटर की दूरी, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस है, और इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगता है, 10 न्यूटन एक कांस्टेंट फोर्स लगता है। तो 10 न्यूटन का उसमें एक कांस्टेंट फोर्स लगता है जो उसको 5 मीटर डिस्प्लेस कर देता है। तो इस डायरेक्शन में तो हम जानेंगे वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन इक्वल टू क्या करेंगे, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये करें डॉट प्रोडक्ट या एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस कॉस थीटा। इस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट फाइनल द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल ऑब्जेक्ट, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 50 न्यूटन। और एक और बात, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, ऐसा यूनिट जूल होता है, लेकिन फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, जूल को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे दिए हैं, तो वीडियो को पॉज करके इस दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए सॉल्यूशन। सॉल्व हो गया आप लोग से, तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन दिए कहाँ से बताया, कहाँ से क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, तो क्या बुला दिया हमसे। अच्छा, नहीं बक्सरी बंद करो।